हेलो केचप मॉम्स एंड मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, आप सबको पैमिला छितवाल की प्यार भरी नमस्ते। सबसे पहले बिग थैंक यू, आज आप मेरे घर में फ्रंट से आए हैं, सो मेरा घर तो आज बहुत शुभ हो गया क्योंकि इतने सारे लोग मेरे घर में फ्रंट गेट से आए हैं। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, आज हम सबसे पहले, आज का जो हमारा ये है प्रोग्राम, इट इज़ अबाउट द परफेक्ट सॉयल फॉर जनरली, द जनरल सॉयल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सो आज सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू यूज़ द ओल्ड सॉयल। अभी हमारा टाइम है, मॉनसून्स हैं, अब हम अपने पुराने गमलों को निकालेंगे, उनकी मिट्टी निकालेंगे, फिर उनको नई सॉइल बनाएंगे, सॉइल को रिजुविनेट करेंगे, उसको रिवाइटलाइज करेंगे। कैसे करेंगे उसके मैं आपको थोड़े से टिप्स बताती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने, मेरे पास ये एक पुराना गमला है, ये लेमन ग्रास का है, ये मेरा बैजनाथ भैया है, ये मेरे साथ मेरा हेल्पर। कितने साल से काम कर रहे हैं बैजनाथ भैया? 17-18 साल हो गया मेरे साथ। तो हम इकट्ठे, हमने बहुत सारी ज़िंदगी प्लांट्स के साथ इकट्ठी बिताई है, तो आज ये आपको बताएंगे बैजनाथ भैया। हाँ, इसको, हाँ इसको ऐसे खाली करेंगे, तोड़ लो, मिट्टी को तोड़ लीजिए। हाँ, अच्छे से तोड़ लीजिए। ये मेरा पुराना लेमन ग्रास का है ये पौधा, इसको मैंने दोबारा से, क्योंकि ये बहुत, इसमें बहुत सारे डेड हो गए हैं, तो इसमें देखिए खूब सारी रूट्स हैं। सो जब आप पुरानी सॉइल निकालते हैं तो ये सारी मिट्टी आपने निकाल लेनी होती है, पूरी मिट्टी। देखिए रूट्स कितनी है, बहुत ज़्यादा रूट्स होती हैं। बैजनाथ भैया वो दिखाओ, वो जड़ें दिखाइए इन सबको। हाँ, खूब सारी जड़ें हैं, ये देखिए कि ये सारी जड़ें आप निकाल के फेंक दीजिए, साइड में रख दीजिए। हाँ, ये सारी निकाल लीजिए। ये हमारी पुरानी मिट्टी है, इसका सारा तोड़ लेना है, इसमें कोई मोटे मोटे लम्ब्स हो इसको अच्छे से निकाल दीजिए। हाँ, सारा। हाँ, इसको प्लांट को साइड में रख लेते हैं, अभी प्लांट को साइड में रख लेते हैं बैजनाथ। हाँ, अभी ये मिट्टी को आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए, इसमें थोड़ी सी, हाँ जो कोई मोटा चीज़, कुछ मोटे मोटे लड्डू हो, कुछ हो, कोई कीड़ा हो तो निकाल दीजिए, बस ऐसे करिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आधा, जैसे आधी सॉइल, आधा आपने पुरानी मिट्टी ले ली, ठीक है, और उसमें उसकी आधी पहले आप निकाल लो। हाँ, ये एक डिब्बे से नाप लो, डिब्बे से, हाँ इससे नाप लो दो। ये नई मिट्टी है, दो ले लो बैजनाथ भैया, दो ये ले लो। हाँ, दो ये गोबर है, दो ये ले लो और ये पुरानी वाली ले लीजिए, ये चार ले लेना, क्योंकि पुरानी मिट्टी अब हमने वेस्ट तो करनी नहीं है, सो चार ये पुरानी होगी, ठीक है। अब इसको आप मिलाइए, अच्छे से मिला दीजिए। थोड़ा इसमें फंगीसाइड डाल लीजिए बैजनाथ भैया, ये लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, आधा चम्मच, आधा चम्मच। ये अंदाजन 8-10 इंच का पॉट है, उसके लिए मैं आपको अंदाजन बता रही हूँ। और नीमखली, नीमखली कहाँ है, ये नीमखली, नीमखली आप सब ने ज़रूर डालनी है। हाँ, इससे कम डाल दीजिए, इससे कम, हाँ इतना बहुत है। नीमखली ज़रूर डालनी है हमने, क्योंकि उससे जो भी आपके पुरानी सॉइल में या नई सॉइल में जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो उसको प्रिवेंट करेगी। और बोन मील मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, अगर बोन मील हो वो भी डाल दीजिए। बोन मील है? हाँ नहीं, ये तो वर्मी कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसमें ये डालिए एप्सम सॉल्ट, एक चम्मच, एक चम्मच। ये किस लिए डाल रहे हैं, ताकि ये जो पुरानी हमारी सॉइल है, बस उसकी जो एसिटिक, उसकी जो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। अब सारा मिला लीजिए।
बस अभी और कुछ नहीं करना हमने, सारा इस ये सारी सॉइल हमारी बन गई है, इस सॉइल को हमने रिजुविनेट कर दिया है। अभी इसको धूप में रख दीजिए बैजनाथ भैया, धूप में रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। अभी इस सॉइल को हम अबाउट 2 या 3 डेज के लिए, ऐसे ही मैं सब गमलों की सॉइल जो आपने रिपॉट करनी है, ऐसे सब गमलों की सॉइल निकाल लीजिए और अंदाजन इसी रेशो से आप मिट्टी को मिक्स बना के उसको धूप में रख दीजिए, खूब धूप। आज तो बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी है। अगर धूप अच्छी नहीं है, अगर आपको लगे बारिश आने वाली है, देन व्हाट टू डू, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट डाल के रख दीजिए, सो दैट ये ज़्यादा गीली नहीं हो। तो जब बिल्कुल सूख जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पूरा एग्जैक्ट पूरा बढ़िया सूख जाए, भुरभुरी हो जाए, जब आप हाथ से टच करें, इट शुड बी पोरस, ऐसे ऐसे उड़ने वाली हो जाए, उसमें एयर कंटेंट्स बहुत सारे हो जाए, तब उसको हम फिर अपने नए गमले में भरेंगे और वो जो प्लांट है उसको फिर हम दोबारा लगाएंगे। प्लांट मैंने लगाना आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे लगाते हैं, पूरा क्लीन करके उसको डिवाइड, अभी मैं एक और प्लांट आपको बताऊंगी, तो उसको फिर उसमें हमने डालना है। अभी बस ये पुरानी सॉइल को कैसे रिजुविनेट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये नहीं कि हमारे पुराने गमलों को हम वेस्ट कर दें। तो अंदाजन आप 1-1.5 साल के बाद ये वाले जो गमले हैं, पुराने गमले आपके हैं, उनको आप निकाल के ऐसे दोबारा करके उसको मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पुराने गमलों का। अब नया आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो अब नए प्लांट्स भी हमने लगाने हैं। सो नए प्लांट्स के लिए हमें क्या लेना है, बेसिक मैं आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ। बैजनाथ भैया नापेंगे आप, किससे नापेंगे, इसी से नापेंगे, ये मिट्टी है ना आपकी, हाँ, तो ये ले लो 3, ये ले लो बराबर बराबर की चीज़ें लेनी है, 3 नॉर्मल मिट्टी, जो भी चीज़ जिस चीज़ से भी आप नापेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ, नॉर्मल मिट्टी 3। कोकोपीट कहाँ, अच्छा ठहरो एक मिनट, ये कोकोपीट है। अभी कोकोपीट जो है, कोको ये ऐसा होता है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के दिखाते हैं, कोकोपीट जब आप बाजार से खरीदते हैं, व्हेन यू बाय फ्रॉम द मार्केट यू बाय अ काइंड ऑफ ब्रिक, इट इज ए काइंड ऑफ ब्रिक, ऐसे कंप्रेस्ड ब्रिक होती है, बहुत था 5 किलो की होती है, 2 किलो की भी होती है, तो उसको आप खरीद लीजिए, फिर उसको पानी में आप डाल दीजिए। पानी में जब जैसे ये ना, पानी में डालने से क्या होएगा, वो पूरी ऐसे 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 हो जाएगी, उसको फिर सुखा ली, सुखा मीन्स थोड़ा सा उसको खाली कर लीजिए। ये जब आप उसको तोड़ लेते हैं तो उसकी ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाती है। अच्छा, हम कोकोपीट क्यों डालते हैं, कोकोपीट इसलिए, ये देखिए कोकोपीट इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें वाटर रिटेन करने का इसमें ही वो कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमें जब हम गमला बनाते हैं, हमें वैसी मिट्टी भी चाहिए होती है जो पानी को रिटेन करे, और वैसी भी चाहिए होती है कि जो पानी को निकाल दे, उसमें खड़ा ना हो पानी। अगर खड़ा हो जाएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर पानी उसमें रह जाए तो वो क्या होता है, रूट्स उसकी गलने लग जाती हैं। सो जितना हमने वो लिया, सो कोकोपीट आई होप आपने, जो लोग नहीं खरीदते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल इसका बहुत फैशन हो गया है। पर जिन लोगों को के पास कोकोपीट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, रेत डाल सकते हैं। रेत, रेत की क्या है क्वालिटी, रेत में अगर आप पानी डालेंगे तो एकदम निकलेगा, वेयर एज जो कोकोपीट का है, कोकोपीट थोड़ा आप पानी अंदर रख लेगी। इसमें आपको जब आप गार्डन में जब आप पानी देते हैं तो ये कम लेगा पानी, गमलों में डाल के रखते हैं तो इसमें कम पानी डालना पड़ेगा, वेयर एज जो रेत वाला है इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। सो जिनके पास रेत है वो रेत डाल सकते हैं, जिनके पास रेत नहीं है कोकोपीट ले सकते हैं, वो कोकोपीट डाल सकते हैं। सो 3 वो डाले, 3 ये डाल दीजिए, बराबर बराबर के डालने, डाल दीजिए, गीला भी डाल दीजिए। और ये जो आप अपन ये उसमें कंस्ट्रक्शन में आता है, ये हाँ बदरपुर बोलते हैं, रेत बोलते हैं इसको, बदरपुर रेत, ये उतनी वो ले लीजिए। अगर कोकोपीट नहीं है तो आप ये नॉर्मल रेत डाल दीजिए। अच्छा, फिर आप इसमें
कोई एक मुट्ठी के करीब, ये है पर्ल लाइट। पर्ल लाइट क्यों डालते हैं? पर्ल लाइट से जो आपका लाइट हो जाती है, इसका जो है आपका जो ये सॉइल है ये लाइट हो जाती है। और ये है कंपोस्ट, जितना आपने वो लिया है उतना ही आप ये कंपोस्ट डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट है वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप ये डाल दीजिए बस। और ये है नीम खली, ये तो मैं हर एक के लिए बोलती हूँ कि नीम खली तो आपने डालनी ही है। थोड़ी देखो, यू डोंट हैव टू बी एग्जैक्ट कि मैंने इतना बोला आपने इतना ही डाला है, थोड़ा सा आप कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट द बेसिक थिंग इज कि ये जो आपकी मिट्टी है ये ऐसी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, ये नहीं गीली हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बतानी थी आप लोगों को, जब आप गमले में जब आप खरीदते हैं, जैसे आप कलकत्ता से आपके प्लांट्स आए या उधर से बॉम्बे से पुणे से, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी मिट्टी होती है गमलों में लाल रंग की मिट्टी होती है, क्ले ही होती है, बिकॉज वहाँ की जो मिट्टी है क्ले ही है। नॉर्थ इंडिया में जो मिट्टी है वो हमारी ऐसी है नॉर्मल, वहाँ की नॉर्मल मिट्टी ऐसी है। थोड़ा सा मैं इसको गीला करके दिखाती हूँ आपको, ये इसको अगर आप हाथ में लेंगे, ये देखिए चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। सी, बच्चे जब छोटे होते थे ये ऐसे इसके खिलौने बनाते होते थे, लड्डू हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं। सो ये ऐसी चिकनी मिट्टी, सो हमारे ये जो चिकनी मिट्टी है, अगर ये गमलों में हो तो उसको जब आप रिपॉट करते हैं इसको आपने पोरस बनाना है। कैसे बनाना है? इसमें ये वाली चीज़ें डालेंगे, इसको कम डालेंगे और ये वाली चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि जो मिट्टी है वो पोरस बन जाए। ठीक है, ये वाली मिट्टी इट्स नॉट वेरी हेल्दी फॉर द प्लांट्स, ये मैं आपको बताना चाहती थी, थोड़ी सी थी मेरे पास, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये एप्सम डाल दीजिए, थोड़ा सा बैजना भैया, बिल्कुल थोड़ा, आपका चम्मच आज बहुत बड़ा। बस 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 बस, ये क्यों डालते हैं? ताकि ये जो है सॉइल की जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एसिटिक हो जाए। एसिडिक सॉइल इज ऑलवेज गुड फॉर द फ्लावर्स, फॉर द प्लांट्स। तो ये है ये सारी, अब आपकी ये, अब हम आपको बना दिखाएंगे। और फंगीसाइड डाल दिए बैजना, हाँ नहीं, रेत तभी डालेंगे आप अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो डालिए, अगर कोकोपीट नहीं है, जैसे लॉकडाउन है आजकल लाना मुश्किल है, तो आप उसकी जगह ये भी डाल सकते हैं। तो देर आर ऑप्शंस, कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक मैं और आपको सॉइल बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल। वो क्या है? कुछ नहीं, उसमें क्या है, सिर्फ ये डालो, गार्डन सॉइल जो आप बोलते हैं आजकल मैगजीन्स में टीवी में, गार्डन सॉइल, ये गार्डन सॉइल क्या है, जो अपनी मिट्टी है नॉर्मल मिट्टी, कंस्ट्रक्शन जगहों पे भी मिल जाती है जब हम खुदाई करते हैं, और ये नॉर्मल मिट्टी है, दिस इज द बेसिक सॉइल। सो ये ले लो, मतलब दो हिस्से अगर आप ये लेते हो तो एक हिस्सा आप ले लीजिए कोकोपीट और एक हिस्सा ले लीजिए ये बदरपुर। सो ये तीन चीज़ें डाल के भी आप बना सकते हो, अगर ये और कोई चीज़ ना अवेलेबल हो। ये भी बहुत अच्छी सॉइल होती है, इसमें ये डाला और कोकोपीट डाल दिया, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है एक और सॉइल मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें कोकोपीट ज़्यादा होएगी, उससे क्या होएगा, कोकोपीट से हमारा जो पॉट है वो बड़ा लाइट हो जाता है, उसका जो वेट होता है लाइट हो जाता है काफ़ी, और उसमें फिर जैसे मैंने आपको दिखाया था मॉइस्चर रिटेन करने की उसमें वो कैपेसिटी होती है, तो इसमें फिर पानी भी कम डालना पड़ता है। इसमें सिर्फ कोकोपीट डालो और जितना ये है उतने कोकोपीट डाल दीजिए, और सॉइल जो है मिट्टी है बहुत कम डालेंगे। जैसे ये तीन हिस्सा डाला, तीन हिस्सा वो डाल दिए कोकोपीट, ये डाला तीन हिस्सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, एक हिस्सा बस मिट्टी डाला। ठीक है, उससे क्या होएगा, बहुत भुरभुरा होएगा ये। फिर आपके जो इंडोर प्लांट्स वगैरह उनमें डाल दीजिए, पानी भी कम देना पड़ता है, ठंडक रहती है उसमें, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। पर बेस्ट सॉइल इंडोर आउटडोर सब प्लांट्स के लिए दिस इज द बेस्ट सॉइल जो मैं आजकल मैं तो ऐसे यूज करती हूँ। ठीक है, सो अब हम करेंगे हाउ टू फिल ए पॉट विद द न्यू सॉइल जो हमने बनाई है। ये लाओ जी,
सबसे पहले एक ठिकरी, ठिकरी दिखाना मुझे। हाँ, जो आप ठिकरी लें, गमले के टूटे हुए पीसेस होते हैं, सो जब आप सिलेक्ट करते हैं, जब आप डालेंगे इसके अंदर, तो ऐसे डालेंगे उल्टा, वाई उल्टा। अगर आप ऐसे, वो जो दिखाना मुझे, अगर आप होल के ऊपर डालेंगे तो आप ऐसे डालेंगे उल्टा, अगर आप ऐसे डालेंगे तो वो तो फिर पानी ऊपर ही रहेगा, निकलेगा नहीं। अगर आप ऐसे डालेंगे तो जो पानी है बहता जाएगा। और सब डालिए, ठिकरियाँ डालिए, सबसे पहले ठिकरी डालते हैं। ठिकरी या कुछ नहीं है तो वो जो अपने ईंटा के टुकड़े हैं वो डाल दीजिए। अब ये है सूखे पत्ते। जब ऑटम आता है, ऑटम के इन द मंथ ऑफ ऑटम, तो झाड़ू बहुत लगता है जब, तो ये सारे ड्राई लीव्स होते हैं। तो इफ़ यू हैव द एनर्जी, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए, एक दो बोरियों में भर के रख लीजिए। जब आपने रिपॉट करना हो तो ये डालिए, इसको ऐसे ऐसे करके बैठना चाहिए, सब जैसे आप डालते हो वैसे डाले लीजिए। हाँ, सो मैंने ये दिखाओ भाई, ये मैंने मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर एक लेमन ट्री है, उसका हमने लास्ट ईयर उसको उसकी गुट्टी डाल के, उसको बांध के, उसकी ग्राफ्टिंग करके हमने ये एक छोटी सी उससे ये बनाया। तो अब ये देखो इतना बड़ा हो गया, तो अब मैं इसको बड़े पॉट में डालूँगी। इसमें डालना है, इसमें ये डालेंगे, ठीक है, ये डालेंगे, अच्छा उसमें डालो, जिसमें भी डालो, इसमें डालेंगे हम। वो मैंने मिक्सचर उसमें डाला हुआ है, थोड़ा सा बैठना था, तैयार किया हुआ है ना, तो हाँ थोड़ा पर्ल लाइट नहीं डाला हुआ, पर्ल लाइट डाल दो थोड़ा सा, हाँ निकाल लो मिट्टी जो एक्स्ट्रा है। हमेशा जब आप ऐसे वाले प्लांट्स क्यों बड़े में क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज इसने बहुत ग्रो कर जाना है, ये इतना बड़ा ग्रो कर जाएगा, फिर लेमन आएंगे इसके अंदर। और हमेशा इसमें बैठना, थोड़ा सा ये ज़्यादा डाल देना। ये जो है बदरपुर, हम क्यों डालते हैं, बदरपुर से जो प्लांट है जब पानी डालेंगे तो ये ज़्यादा इसमें ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है, और जो आपका प्लांट है जब बड़ा हो जाता है तो वो हवा के साथ गिरेगा या हिलेगा नहीं। सो बदरपुर की ये क्वालिटी होती है ये डालने से। हाँ डालो भैया, डाल दो डाल दो डाल दो, थोड़ा रेत भी डाल दो अंदर। अब जब आप निकालेंगे, ये मेरा 6-8 महीने हो गया इसको मैंने किया हुआ है, बैठना दे उसे, खोल लो, तोड़ना नहीं। अब माली लोग तो एक्सपर्ट हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, उनको लगता है मैडम को आदत है बोलने की तो बोलती रहेगी। हाँ छुरी लो, छुरी से करो, छुरी से कर लो, हाँ साइड से, हाँ हो गया हो गया। ठक ठक कर, हाँ निकल गए, थोड़ी जड़ भी नीचे, क्या है प्लास्टिक है, निकाल देना, निकाल दो आप, निकाल दो। ये हमने जाली लगाई थी, वो जो मैं वो बताना भूल गई, आप ये वाली जाली या ऐसी वाली जाली भी लगा सकते हैं, या जो अपन ने नीचे ठिकरी लगाई है ना, उसकी जगह अगर वो ना हो ठिकरी तो ऐसी जाली लगा सकते हैं, वो मैंने उसमें वही लगाई हुई है। जब भी आप लगाते हैं प्लांट, उसके अंदर खुली जगह होनी चाहिए, ताकि एक चम्मच डाल देना, हाँ इतना बहुत है। अगर आप बीच में नहीं डालते हो, ये जो डालना होता है इसको बोलते हैं सिस्टम में डालना, सिस्टम के अंदर डालना बस। या आप इसको पानी के अंदर घोल के, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, 1 teaspoon इन अबाउट 2-3 liters ऑफ वाटर, वो आप प्लांट के ऊपर डाल दो, बाद में भी डाल सकते हो आप। इसको ठोक दो बैजनाथ, उससे उल्टे साइड से ठोको इसको, ये ले लो, ये आपका, हाँ ये ले लो। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो इसमें एयर बबल्स ना रहें, एयर बबल्स रहेंगे तो वो फिर प्लांट लूज हो जाएगा। खूब टाइट कर लो, खूब,
ये ले लो भैया, आपकी खुरपी नहीं है ना, ये वाला ले लो। हाँ कर दो कर दो, कुछ नहीं होता इसको। हाँ ऐसे, अब ये डाल दो। इसके लिए हमें थोड़ी जो मिट्टी है थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि ये पेड़ ने बड़ा हो जाना है। बस बैजनाथ बस। और जब आप पॉट, व्हेन यू फिल द पॉट, अबाउट 1 इंच नीचे होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब थोड़ा सा ये आफ्टर 6-7 डेज जब इसका ये जो हमने रिपॉट किया है इसका शॉक खत्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा और मैन्योर डालेंगे या कोकोपीट डालेंगे। सो उस सब के लिए जगह होनी चाहिए। जगह नहीं होगी तो हम क्या होएगा, हमने यहाँ तक भर दिया तो अब पानी डालेंगे बाहर निकलेगा, सब घर गंदा होएगा। थोड़ा और डाल दो, ये वाला मिक्सचर और डाल दो, भर दीजिए, भरनी मीन्स और डाल दीजिए। बस ठीक है। सो दिस इज गुड लक टू दिस प्लांट, बहुत अच्छा होएगा। जब इसमें नींबू लगेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? चलो ये अच्छा, अब मैं आपको इधर ही रख दीजिए, थैंक यू। वो इसमें डालेंगे, हाँ ये निकालो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे घर में बहुत जरबराज लगे हुए हैं खूब सारे, तो उनको हाउ टू डिवाइड इट, पिछली बार भी मैंने बताया था बट आज प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वो वाली मिट्टी मिक्स कर लो ना नीचे। हाँ ये पुरानी है, ये नई वाली है ना, इस वाली, ये वाली ले लो। हाँ मिक्स कर लो इसमें। हाँ हाँ कोई बात नहीं, गोबर भी चलेगा, गोबर भी चलेगा। गोबर ले लो, थोड़ी रेत डाल लो, थोड़ी रेत डाल लो, कोकोपीट डाल लो, ये लो कोकोपीट। कोकोपीट का यही फायदा है कि एक तो पॉट बड़ा लाइट रहता है, मेरे जैसा इंसान उठा सकता, मैं अपने सारे गमले उठा सकती हूँ। जो जिसमें हम ज़्यादा मिट्टी डालेंगे, गार्डन सॉइल ज़्यादा होएगी। पहले तो हम बहुत साल पहले तो वी यूज़ टू हैव गार्डन सॉइल ओनली, ज़्यादा और रेत डाल देते थे, उससे क्या होता था बहुत हैवी हो जाते थे हमारे। हाँ थोड़ा सा ये, दिस इज एप्सम सॉल्ट, ये इसीलिए डालते हैं ताकि वो जो नए, हाँ बहुत है, ताकि इसमें हमारा जो ये है, हाँ बस ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें भी नीचे पहले गुट्टी डाली है, फिर ये ड्राई लीव्स डाल दिए, धीरे धीरे वो पानी से और सबसे लीव्स की भी कंपोस्ट बन जाएगी। घर में ड्राई लीव्स रखा करो, हाँ डालिए। ये ऐसी सॉयल अगर आप जिस दिन आपको, जैसे आज मेरा ब्राइट एंड सनी डे है, आज मैंने ऐसी चीज़ें बना ली, तो आपको अगर आपने देखना हो कितने गमले आपने रिपॉट करने हैं, कितना है आपका जो भी आपका आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, यू वर्क अकॉर्डिंगली और उतना मिट्टी आप तैयार करके रख लो। जब सनी डे हो उसको खूब धूप लगने दो, अच्छे से जितनी जब धूप लगेगी तो वो बहुत अच्छी पोरस हो जाएगी और हेल्दी हो जाएगी। सनशाइन की बहुत ज़रूरत है। ये बड़ा ज़रूरत, क्या चाहिए आपको? सारा नहीं भी डालना हो बैजनाथ भैया, आधा डाल देना है। ये दिस इज, हाँ दिस इज माई जरबरा प्लांट, ये बहुत पुराने हैं मेरे साथ। निकालो, हाँ इसमें कोई स्लग हो तो निकालना, इनको दिखाना मैंने। हाँ निकालो, ये दिखाऊंगी अभी। क्लीन कर लो, ये देखो ये देखो ये देखो देखो व्यूअर्स, जब आप ओल्ड वाले प्लांट्स करते हैं, ह्यूमिड थोड़ा सा होता है, रेन्स होता है, उसमें ये स्लग्स आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे हाथ में मैंने उठा लिया, ये इससे कुछ ये काटता नहीं है, बट ये बहुत दे आर वेरी बैड फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। एंड इफ़ यू हैव ए पेट इन द हाउस, कैट है, डॉग है, वो है, तो वो भी उनके लिए भी ये बैड होते हैं। सो वेन यू आर रिपॉटिंग इट, हाँ कितने सारे स्लग्स हैं राजनाथ भाई, अच्छे से ढूंढ लो, सब कर लो। पूरा डालना है, कम करना है तो आधा डाल दो, आधा डाल दो, हाँ आधा डाल दो।
दो बना लेंगे। अभी इसको मैं आधा कर रही हूँ। हाँ हाँ ऐसे। हाँ क्लीन कर लो, कोई गंदे मंदे। हाँ ये ले लो, ये ले, जो मर्जी ले लो, सब साफ साफ कर लो इसको। हाँ इसकी तरफ उधर मिट्टी डाल लीजिए। ठीक है, ये गंदा सा पत्ता भी निकाल दे। चलो ठीक है, एक और है स्लाइड। हाँ ठीक है, कल उधर भी हम डालेंगे फिर। ये जो स्लग होता है ये बहुत सारे आएंगे अभी मानसून में। चलो जी ये वाली मिट्टी डालिए। ये जो सॉइल बनाई है ये सबसे अच्छी है, मेरे को तो ये सबसे अच्छी लगती है। ठीक है देवसेन भैया, पानी डाल देंगे इनमें आप? ये मेरा दूसरा साथी है देवसेन भैया, चारू इनका शक्ल दिखाओ। देवसेन भैया मेरा, हम तीन जने हैं, हम गार्डन इंचार्ज, बहुत सालों से इकट्ठी जिंदगी बिता रहे हैं। डाल दो भैया, पानी डाल दीजिए। हाँ उसमें डाल दो। जब आप पूरा सारा सॉइल डाल दो फिर उसके बाद, अगर आपने पहले फंगिसाइड नहीं डाला हो, सपोजिंग आप भूल गए या नहीं था अवेलेबल, कोई बात नहीं। जब आपका प्लांट आपने डाल दिया एक दिन बाद, दो दिन बाद, या उसी टाइम पे पानी में घोल के आप ऊपर से डाल सकते हैं। कोई ऐसे मीन्स इतना ऐसे अपने आप को रिजिड नहीं रखना है कि मैंने इतना बताया तीन हिस्से तो ढाई है मेरे पास, कोई बात नहीं। गार्डनिंग में आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, बनाते रहो, चीज़ें देखते रहो, जो आपने गलती की है उसके बाद अगली बार कर लेंगे, पर गार्डनिंग जो है आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है, ये बात। ये जो अब मैंने लेमन ग्रास निकाला था ड्राई, अभी मैं उसका मिट्टी मैंने दिखा दिया, अभी कल मैं इसको करूँगी, पूरा क्लीन करूँगी, इसको खूब सारा क्लीन करना पड़ेगा। जितने जितने ये ड्राई हैं, ये जितने ड्राई हैं इसको पूरा क्लीन करेंगे, इसको पूरा खोलेंगे, फिर उसको खोल खोल के फिर लगाएंगे। दिस इज़ माई टमोरोज जॉब, होमवर्क है फॉर माई टमोरो होमवर्क। ठीक है ठीक है, आप इन कुछ चीज़ों को उठा सकते हैं। अच्छा अब मैं एक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देखो धूप में ये थोड़ा खराब हो गया, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो पॉटुलाटा है इसकी टेंडेंसी ऐसे होती है, नीचे नीचे ऐसे ट्रेल्स बन जाते हैं इसके, दे हैंग लाइक दिस। बट मैंने आपको दिखाया था अगर आप यहाँ से ऊपर से प्लग करेंगे, इनको ऊपर से करेंगे तो वो ऊपर भी आ जाएंगे। सो ये मैंने अभी दो तीन दिन पहले आपको दिखाने के लिए किया था, अभी पानी नहीं डाला तो थोड़ा सैड हो गया। तो अगर आप ये वाले काट दो, उस दिन आपको दिखाया था इन द लास्ट एपिसोड, तो ये सेंटर में जस्ट लाइक ए कॉलीफ्लावर सेंटर में हो जाएगा, एंड दैट विल लुक वेरी नाइस रेड रेड। मैंने खूब सारे अभी बना के रखे हैं वैसे, आई होप नेक्स्ट उस पर एपिसोड भी आपको दिखा सकूँगी। और फिर ट्रेलिंग वाले काट दो, और सेंटर वाले में अगर कहीं कोई कम हो वहाँ से काटा और वहाँ डाल दो तो सेंटर में रेड हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक ये वाइट का रख दो, सेंटर में रेड कर दो। दिस इज़ ऑल योर इमेजिनेशन, जैसा आपको अच्छा लगता है, कैसा प्यार है, कितना प्यार है आपको अपने पौधों से। सो बस आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, और हैप्पी गार्डनिंग। और ये मौसम अभी अच्छा हो रहा है, आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत स्वेट कर रहे हैं हम लोग। मैंने इतना
इतना इतनी गर्मी में गार्डनिंग नहीं मैं करती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ. अभी इस टाइम पे द सन इज़ वेरी हार्श. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट आई विल शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल्सो. जो रिपोर्टिंग किया है मैंने ये भी मैं आपको दिखा दूंगी. और कुछ नई चीज़ होगी. हाँ वैजनाथ भैया एक काम करो प्लीज़, वो लाओ इनको गुलदाउदी दिखाना जो हमने पिछली बार लगाया था. लास्ट टाइम हमने गुलदाउदी के बारे में भी बात किया था, क्रिजेंथमम के बारे में. समबडी हैड आस्क्ड मी कि कैसे लगाते हैं, तो मैंने अपने घर में जो लगाया हुआ था फ्रॉम द मेन पॉट, तो ये हमने ऐसे लगाया हुआ है. ये देखिए इसके, हाँ रख दीजिए, थैंक यू. ये मैंने उनकी कटिंग्स मैंने आपको बताई थी कि कटिंग्स ऐसे अबाउट 2.5 इंच 3 इंच कटिंग काट के रेत में आपने डालनी. ये देखिए इसमें मैंने डाल के रखा हुआ है. और अभी ये अभी मेरे ख्याल में 8-9 दिन हो गए. अभी देखो कितना ग्रो कर गया. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट दे विल बी, आई थिंक सो दे शुड बी अराउंड दिस हाइट. फिर हम इनको निकालेंगे, आपके सामने मैं निकालूंगी. फिर देन वी विल प्लांट इन द अदर पॉट. अगर मैंने पहले प्लांट करके रखे हुए तो वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो. एंड देन जब बड़े होते हैं क्रिजेंथमम्स, उनको फिर कैसे प्लांट में उसको कैसे सपोर्ट देते हैं, क्या करते हैं, वो हम क्रिजेंथमम्स को, बिकॉज दिस इज द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग क्रिजेंथमम्स. सो नेक्स्ट टाइम वी विल इंडल्ज इन दिस ऑल्सो. सो लेट्स सी हाउ द टाइम इज. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. ओके देन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी. मैं आप तो छाया में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, शायद यू मे बी हैविंग नींबू पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, बट हम लोग तो धूप में बैठे हुए हैं. कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी. एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे. गॉड ब्लेस, ठीक रहिए, खुश रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पौधों का ख्याल रखिए. गॉड ब्लेस, बाय.